आर्यन बताओ तो क्या क्या डेरिवेशन बताया था क्विक हाँ क्या क्या बताया था हाँ चलो इंटरफ्रेंस में क्या क्या बताया था आस्था तो बताओ इंटेंसिटी का रिजल्ट क्या आया था इंटेंसिटी और एम्पलीच्यूड क्या समझ में आएगा इसका क्लास किसको किसको याद है यही कल के क्लास में बताया था देखो ध्यान से थोड़ा सा रिकॉल करा दे इसी में सबसे पहले हमने बताया था इंटरफ़ेरेंस ऑफ लाइट में जब दो लाइट वेव सेम फ्रीक्वेंसी का कांस्टेंट और जीरो फेज डिफरेंस से सेम डायरेक्शन में ओवरलैप करता है या सुपर इम्पोज करता है तो इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है एक जगह मैक्सिमम होता है और एक जगह पर मिनिमम होता है जहाँ मैक्सिमम होता है वहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफरेंस जहाँ मिनिमम होता वहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफोरेंस जैसे एक वेव पैटर्न दिखाया दूसरा वेव पैटर्न ऐसा है दोनों ओवरलैप कर गया और यहाँ पर देखो इंटेंसिटी रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया मैक्सिमम हो गया इसलिए देखो एक का एम्पलीटूड दिखाया दूसरे का एम्पलीट्यूड दिखाया और दोनों का सम दिखाया ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफरेंस हो जाएगा इसी तरह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफरेंस में एक वेव पैटर्न ऐसा है दूसरा वेव पैटर्न ऐसा है तो यहाँ पर एक जगह पर सेप्ट्रैक्शन हो रहा है इसका मतलब इंटेंसिटी मिनिमम हो रहा इसको है इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफरेंस कहते हैं

और डॉटेड कर्व को हम लोग ट्रफ मान रहे हैं तो क्रिस्ट ट्रफ के साथ ओवरलैप कर रहा है क्रिस्ट क्रेट्स के साथ कर रहा है ट्रफ ट्रफ के साथ कर रहा है तो इस में एक पैटर्न मिलता है जहां पर सेंटर पर ब्राइट मिलता है सेंटर पर ब्राइट का मतलब क्रिस्ट क्रेट से ओवरलैप करेगा ठीक डार्क मिलेगा तो क्रिस्ट ट्रफ के साथ ओवरलैप करेगा अब इसका पाथ डिफरेंस निकालने के लिए इसके पैटर्न को निकालने के लिए मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं और उस मैथमेटिकल एनालिसिस में हम लोग दो सोर्स लेते हैं ये तो उसको प्रीवियस क्लास में बता दिया था दो सोर्स लेते हैं सुपरपोजिशन so में एक वे पैटर्न वाई वन ए वन साइन ओमेगा टी दूसरा टी प्लस फाइव अब दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो पहले यहाँ पर कुछ टर्म है जैसे हम लोग a साइन ओमेगा टी लिखते हैं तो ओमेगा टी को फेज कहते हैं फेज किसी भी ऑसोलेटिंग और वाइब्रेटिंग पार्टिकल का एक ऐसा क्वांटिटी है जो तो डायरेक्शन ऑफ मोशन और पोजिशन को बताता है ठीक उसके बाद फेस डिफरेंस उनके डिफरेंस को बताता है जैसे मान लो यहां पर y1 A1 sin omega t और दूसरा y2 A2 sin omega t phi है। तो दोनों का ओमेगा टी प्लस फाइव और ओमेगा टी का डिफरेंस निकालोगे तो फाइ आएगा जो फेस डिफरेंस कहलाता है ठीक पाथ डिफरेंस का फेज रिलेशनशिप के फेस डिफरेंस के साथ रिलेशनशिप होता है यहाँ पर डेल्टा पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू तो लेमडा बाई टू पाई इन टू फेसेंस फाइव को फेज डिफरेंस कहते हैं इसी तरह से टाइम डिफरेंस है तो टाइम डिफरेंस में वैसे ही इसके साथ डेल्टा टी लिखा जाएगा टी बाई डिफरेंस फाइव अब यहाँ पर इसका मैथमेटिकल एनालिसिस वाई वन इजल टू ए वन साइन ओमेगा टी दूसरा टी प्लस फाइव दोनों को ऐड किया आइए गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सब तो लोग गुड मॉर्निंग कीजिए इनको हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हाँ, तो y1 इक्वल तू a1 साइन ओमेगा टी पहला वेव, दूसरा y2 इक्वल तू a2 साइन ओमेगा टी प्लस phi, दोनों को ओवरलैप करा सुपर इम्पोजिशन में कहता है कि दोनों का अम्पलिचुड या सिंपली आप ऐसे समझे कि एक वेव पैटर्न है जो y1 से रिप्रेजेंट हो रहा, है, दूसरा y2 से तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट का वैक्टर सम होता है तो यहां पर वाई वन प्लस वाई टू दोनों का वैक्टर सम हो गया वाई वन की जगह पर ए वन साइन ओमेगा टी वाई टू की जगह पर ए टू साइन ओमेगा टी लिखा अब इसको साइन ए प्लस बी के फॉर्म में ब्रेक कर देंगे ये मैथमेटिकल पार्ट जो है क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में इंटरफेरेंस फ्रिंज निकालने के लिए पहला कंडीशन यही है कि इंटरफेरेंस का इंटेंसिटी वैल्यू क्या आता है एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या आता है तो यहाँ साइन ए प्लस बी को ब्रेक करेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी फिर उसके बाद इस तरह से हम इसको मैथमेटिकली जब सॉल्व करते हैं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इस फॉर्म में आता है जो कल के क्लास में वीडियो में भी बता रखा है तो ए हम लोगों ने कल निकाला था रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू एम्पलीटूड मैक्सिमम तभी होगा जब फाइव का वैल्यू मैक्सिमम होगा एम्प्लीच्यूड मिनिमम तभी होगा जब फाइव का वैल्यू मिनिमम होगा तो मैक्सिमम का कंडीशन निकाल लेंगे और इसी तरह से इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इस कंडीशन में आई इजल टू आई वन प्लस आई टू इसके रिस्पेक्ट में आई वन हो गया इसके रिस्पेक्ट में आई टू होगा और ए वन के रिस्पेक्ट में रूट आई वन ए टू के रिस्पेक्ट में रूट आई टू इस तरह से इंटेंसिटी का वैल्यू आया एक जगह मैक्सिमम होगा जिसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफरेंस कहेंगे जहां पर फाइव का वैल्यू जीरो और टू पाई या टू एन पाई के फॉर्म में लिख देंगे तो पाथ रेफरेंस का वैल्यू मतलब एन लेमडा आया ये कल हमने बताया था कैसे फाइंड किया था आर्यन बताना ये रिजल्ट कैसे आ गया था फेज डिफरेंस का फार्मूला है टू पाई बाई लेमडा इन टू पाथ डिफरेंस पाथ डिफरेंस को डेल्टा लिखते हैं या डेल्टा एक्स मान लो कुछ भी मान लो तो यहाँ पर डेल्टा फाइव के जगह पर टू एन पाई हो गया इज इक्वल टू टू पाई बाई लेमडा इन टू डेल्टा टू पाई टू पाई कट जाएगा तो डेल्टा इज इक्वल टू एन लेमडा इसका मतलब वन लेमडा टू लेमडा थ्री लेमडा यदि सेंटर पे जीरो है एन का वैल्यू जीरो डालोगे तो सेंटर पर ब्राइट आया फिर एन का वैल्यू वन डालोगे तो पहला ब्राइट लेमडा पर मिलेगा फिर एन का वैल्यू टू डालोगे तो टू लेमडा पर ब्राइट मिलेगा ये कंस्ट्रक्टिव को बताता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफरेंस पैटर्न जीरो लेमडा टू लेमडा थ्री लेमडा पर मिलता जाएगा ठीक एंप्लीच्यूड मैक्सिम तब हो जाएगा जब यहाँ पर फाइव का वैल्यू वन तो ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर स्क्न एस फाइव वन मैक्सिम कब होगा यदि दोनों के एम्प्लीटूड को ऐड कर दो तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर कितने आगे फोर ए स्क्वायर उसका रूट निकालोगे टू ए ए या टू ए नॉट इसी तरह से इंटेंसिटी निकालोगे तो फोर आई नॉट बन ठीक है यहां पर कल एरर था कंस्ट्रक्टिव की जगह पर डिस्ट्रक्टिव लिखाएगा ठीक है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफरेंस में वास ही डिस्ट्रक्टिव लिखाएगा टू एन माइनस वन तो 180 डिग्री, 180 डिग्री 2N -1 पाई टू एन प्लस वन पाई भी लिख सकते हैं लेकिन एन का वैल्यू जीरो से स्टार्ट होगा टू एन माइनस वन पाई का मतलब एन का वैल्यू वन से स्टार्ट तो एन जीरो ले चुके हैं आप कंस्ट्रक्टिव के लिए इसलिए अब एन का वैल्यू वन डेला है इसलिए टू एन माइनस वन याद रखिएगा ठीक है नहीं तो गलती हो जाएगा मैथमेटिकली बहुत लोग रॉन्ग करते हैं तो एन का वैल्यू वन रखने के लिए टू एन माइनस वन पाई यूज उस करेंगे उसी तरह से फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू टू पाई बाई डेल्टा। पाई की जगह पर पुट करोगे टू एंड माइनस वन पाई तो लेमडा आ जाएगा टू एन माइनस वन बाई सॉरी तो डेल्टा अब यहां पर एन का वैल्यू वन डालो क्या आ रहा है अरे लेमडा बाई टू आ रहा है इसका मतलब सेंटर पर ब्राइट मिला फिर डार्क मिलेगा लेमडा बाई टू पर फिर लेमडा बाई टू एड करोगे तो नेक्स्ट ब्राइट मिले नहीं समझे नहीं जैसे कहीं प्रवचन चल रहा हो समझ में आ गया हाँ रामायण महाभारत सब समझ में आ जाता है और घर में आते तो इंप्लीमेंट कर ही नहीं पाते समझ में आ, आ सब कुछ आता है में सब कुछ समझ में आता है लेकिन जैसे आर्यन घर जाता है तो बिल्कुल ब्लैंक अभी बताया कि यहां पर ब्राइट मिल रहा है सेंटर पे नेक्स्ट ब्राइट यहां मिल रहा है तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है लेमडा और डार्क के लिए क्या मिल रहा है डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या मिल रहा है लैम्डा बाई टू इसका मतलब डार्क इसके बीच में है. तो ये क्या आ गया पाथ रेफरेंस लैम्डा बाई टू फिर नेक्स्ट लैम्डा बाई टू ऐसे मिलता जाए ठीक एम्पलीट्यूड भी ऐसे ही जीरो हो जाएगा इंटेंसिटी भी जीरो हो जाएगा ये कल के क्लास में था आज के टॉपिक में आ जाए सोर्स कैसे हो दो तरह का सोर्स होता है काला है कोहरेंट सोर्सेस को मींस सेम कोहरेंट सेम फेज डिफरेंस और कांस्टेंट फेज डिफरेंस दोनों ओवरलैप कर जाते हैं। उसी से हम लोगों को इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है तो कहता है कि टू सोर्सेस ऑफ लाइट विच कंटिन्यूसली एमिट लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सेम होगा वेवलेंथ और दोनों के बीच का फेज डिफरेंस सेम होगा या कांस्टेंट होगा इसको हम लोग कोहरेंट कहते हैं अब कोहरेंट सोर्सेस हो गए इसी तरह से इनकोहरेंट तो कहता है टू सोर्सेस ऑफ लाइट विच डू नॉट एमिट लाइट वेव्स विद ए कांस्टेंट मतलब दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा उसको हम लोग इनकोहरेंट कहते हैं ठीक आप कहता है कि कोहरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट जो मिलेगा हमको स्क्रीन पे या सिंपली सोर्स ऑफ लाइट कोहरेंट कब होगा तो पहला कंडीशन जो भी हम लोग सोर्स लेते हैं वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं जैसे सोडियम लाइट है वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है मोनोक्रोमेटिक का मतलब जिसका वेवलेंथ सिंगल होता ठीक लेकिन सोडियम लाइट के सोडियम के दो वेवलेंथ होते हैं। आपने पढ़ा भी होगा लेकिन उसके मीन वैल्यू को हम लोग लेते हैं इसलिए वो सिंगल सोर्स ही मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ही कहलाता है अब यहां पर कंडीशन क्या है? कहता है कि एक स्लिट से एक ही सोर्स से मिलना चाहिए था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या था एक सोर्स और फिर वहां से दो सोर्स थे इसलिए वो लाइट मिलेगा हमको एक ही सोर्स से दो सोर्स नहीं होना चाहिए आप एक से चार सोर्स निकाल लो एक से दो निकाल लो लेकिन इनिशियली एक ही सोर्स होना चाहिए तभी कोहरेंट होगा लाइट कैसा होना चाहिए मोनोक्रोमेटिक पहला लाइन आपको यही कहा और दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए ज्यादा नहीं होना पाथ डिफरेंस ज्यादा होगा तुमको इंटरफरेंस पैटर्न काफी दूर पर मिलेगा और उसको मत, एक तरह से मैथमेटिकल इक्वेशन निकालने में डिफिकल्टी आई ठीक अब कहता है, दो इंडिपेंडेंट सोर्स मान लो कि हमने एक लाइट ले लिया जिसका वेवलेंथ डिफरेंट दूसरे लाइट का वेवलेंथ डिफरेंट को दोनों मिलकर के क्या कोहरन देंगे नहीं देंगे क्योंकि दोनों के बीच का स्टेबल फेज रिलेशनशिप हम लोगों को नहीं पता होता है इसलिए टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस ऑफ लाइट कभी भी कोहरन नहीं हो सकते उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता ये क्वेश्चन पूछा जा चुका ठीक है इसलिए नोट में हमने लिख दिया नेक्स्ट आ जाए अब जो हमको इंटरफरेंस पैटर्न मिलता है स्क्रीन पर कंटिन्यूस मैक्सिमा मिनिमा मिलता है वो परमानेंट होता है उसी को हम लोग सस्टेन्ड इंटरफरेंस कहते हैं कंटिन्यूस मिलता है इसलिए दो सोर्स ऑफ लाइट जो भी होंगे वो एक तरह से कहता है कि टू वेव्स एमिटेड बाय ए कांस्टेंट सोर्सेस प्रोड्यूस अ वेल डिफाइंड एंड स्टेबल इंटरफरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन जो मैक्सिम इनिमा वेल डिफाइंड है कि सेंटर पर ब्राइट मिल रहा है फिर फर्स्ट ब्राइट उसके बीच में एक डार्क मिल रहा है उसको हम लोग कहते हैं स्टेबल और परमानेंट इंटरफरेंस इसके कंडीशंस क्या आएंगे तो सबके लिए कंडीशन वही है कि हमारा कोहरेंट सोर्स होना चाहिए ठीक और दो सोर्सेस ऑफ लाइट जो है कोहरेंट होंगे तो कोहरेंट के लिए कंडीशन क्या है मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए एम्प्ली एक सोर्स का एम्पलीच्यूड हमने लिख लिया मान लो ए वन दूसरे का एम्प्लीटूड ए टू लिख दिया तो कहता है कि ए वन और ए टू इक्वल होगा तभी मैक्सिमम मिलेगा क्योंकि ए नॉट नॉट मिला 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 आई आई मैक्सिमम क्या ठीक और कहता है कि दोनों एक दूसरे से काफी क्लोजर होगा ये एक्चुअली फोर पॉइंट होना चाहिए था वो बाई मिस्टेक वन लिखा गया सोर्सेस शुड बी मोनोक्रोमेटिक ये कंडीशन है वन मार्क के लिए आपसे पूछा जा सकता है अब आधे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पहला क्या अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या क्या बना कॉपी निकालिए देखिए क्वेश्चन बनेगा कॉपी चलिए हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला है जल्दी से बताओ आर्यन इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव एम्पलीट्यूड का क्या फॉर्मूला है गड ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस अब क्वेश्चन में देखिए क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है एक का इंटेंसिटी आई वन की जगह आई आई टू की जगह पर क्या है फोर आई इंटरफरेंस एक्सपेरिमेंट फाइंड द इंटेंसिटी मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी और कंडीशन क्या दे रखा है दोनों के फेज डिफरेंस जीरो तो पहला कंडीशन पहला फर्स्ट पॉइंट का कुछ, पार्ट फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का क्या बन जाएगा इक्वल टू देखो रिजल्टेंट देख दो आई आर तो ये फो आई प्लस फोर आई प्लस टू रूट में आई इन टू फोर आई और कॉस फाइव का वैल्यू वन कितना आ गया नाइन आई चलिए इसी तरह से सेकेंड वाले का आंसर बताइए सिंपल फाइव हो जाएगा आई वन की जगह आई आई टू की जगह पर फोर आई और थर्ड टर्म क्या हो गया जीरो क्योंकि नाइनटी डिग्री है तो फाइव आई हो गया कितना आसान सवाल है चलिए थर्ड में क्या बन जाएगा एक आई वन की जगह पर आई आई टू की जगह पर फोर आई और वहां पर कॉस फाइव का वैल्यू माइनस वन तो ये आ गया फाइव आई प्लस टू आई इंटू फोर आई इंटू माइनस वन कितना आ गया सॉल्व करके हाँ. हाँ तो कितना आया आई आ गया सिंपल है हो गया आंसर मिला लीजिए यही आंसर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए कहता इन वाई डी एस सी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेर पाथ डिफरेंस इज यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक और हमको शायद हमको लगता है कि 21 के जनवरी या अप्रैल वाले सेशन में क्वेश्चन था जेई में एन में क्वेश्चन पहले बोर्ड एग्जाम में आया एनसीआरटी में भी क्वेश्चन है कहता है कि पाथ डिफरेंस जब लेमडा है तो इंटेंसिटी कहता है के है अब इंटेंसिटी वो पॉइंट पर फाइंड कीजिए जब पाथ डिफरेंस का वैल्यू लेमडा बाई फोर है इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम आईआर लिख रहे हैं आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस है अब यहां पर कहता है कि जब पाथ डिफरेंस लेमडा है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी के रिजल्टेंट इंटेंसिटी के पाथ डिफरेंस में रिलेशन टू पाई बाई पाथ डिफरेंस तो पाथ डिफरेंस लेमडा है लेमडा लेमडा कैंसिल हो गया डेल्टा फाइजिकल टू टू पाई हो गया मिल गया फेज डिफरेंस अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज करें आई आर इज टू आई वन को हम आई नॉट मान ठीक? आई टू को भी आई नॉट मान लें प्लस टू रूट आई वन आई टू मीन्स आई नॉट आई नॉट कॉस फाइव की जगह पर डाल दो पहले सॉल्व कर लेते हैं कॉस फाइव ये क्या बन गया टू आई नॉट टू आई नॉट कॉस फाइव टू आई नॉट कॉमन ले लें वन प्लस कॉस फाइव वन प्लस कॉस फाइव का फॉर्मूला क्या होता है सारे मैथमेटिशियन यहां पर बैठे कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू और किसी की आवाज नहीं आई फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन गया ठीक अब कहता है कि कॉस फाइव फाइव की जगह पर टू पाई डालो बोलो क्या आ गया ये कॉस स्क्वायर पाई कॉस स्क्वायर पाई कॉस पाई का होल स्क्वायर कॉस पाई का वैल्यू माइनस वन माइनस वन का होल स्क्वायर वन ठीक रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्वेश्चन में क्या दे रखा के ज इक्वल टू फोर आई नॉट तो आई नॉट क्या बन गया के बाई फोर मिल गया अब कहता है फाइंड द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लिमडा बाई फोर आवाज है हमको रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना है फॉर्मूला क्या भाई फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू अब लेमडा बाई फोर के लिए फेज डिफरेंस निकालो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला डेल्टा फाई टू पाई बाई लेमडा इंटू लेमडा बाई फोर ध्यान दे दो तो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा इस सवाल कितना आ गया पाई बाई टू यह वैल्यू डालो डालो वैल्यू पाई की जगह पर पाई बाई टू डालो तो पाई बाई फोर पाई बाई फोर मतलब वन बाई रूट टू का होल स्क्वायर क्या बन गया ये टू आई नॉट बना आई नॉट का वैल्यू क्या निकाल चुके हैं वैल्यू सबसे चूट करो आंसर के बाई टू आएगा आए समझ में दूसरा कंडीशन फिर वैसे ही निकालेंगे लेमडा बाई थ्री डालेंगे और आई नॉट का वैल्यू सब्सिट्यूट करो जल्दी से इसको निकाल लो सेकेंड पार्ट पार्ट में पहले डेल्टा फाइ निकाल लो डेल्टा फाई है टू पाई बाई लेमडा इन टू लेमडा बाई थ्री टू पाई बाई थ्री आ गया तो आई आर में वैल्यू सब्सिट्यूट करो फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर टू पाई बाई थ्री बाई टू कितना आ गया अरे टू पाई बाई थ्री डिवाइड बाई टू पाई बाई थ्री पाई बाई थ्री कितना वैल्यू वन बाई टू इसका मतलब ये क्या हो गया वन बाई फोर तो वन बाई फोर इंटू फोर आई नॉट ऑनली आई नॉट आई नॉट का वैल्यू कितना के बाई फोर आ गया समझ में थर्ड निकाल के बताओ डेल्टा फाइव निकालो टू पाई बाई लेमडा इंटू लेमडा बाई टू लेमडा लेमडा कैंसिल पाई आ गया अब रिजल्ट निकालो थर्ड पार्ट फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर पाई कॉस स्क्वायर पाई माइनस वन का होल स्क्वायर वन एक मिनट नहीं नहीं एक मिनट पाई बाई टू बना ना अरे लेमडा बाई टू के लिए फेज डिफरेंस टू पाई बाई लेमडा इन टू लेमडा बाई टू बना तो लेमडा लेमडा कैंसिल तो पाई तो फॉर्मूला में रिजल्टेंट वाले फॉर्मूला में क्या है कॉस स्क्वायर पाई बाई टू मीन्स कॉस स्क्वायर पाई बाई टू तो क्या आ गया जीरो आ गया आ गया समझ में चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था टू आइडेंटिकल वेव्स ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट आर प्रोड्यूसिंग एन इंटरफरेंस पैटर्न राइट वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफरेंस अभी बता दिया कंस्ट्रक्टिव इंटरफरेंस तो कॉस फाइव का वैल्यू वन आई वन की जगह पर आई नॉट डालो आई टू की जगह पर आई नॉट डालो तो अभी जस्ट क्या निकाला

इसलिए इस चीज को आप याद रखिए इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लेट स्लेट के विड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉरी नॉट स्क्वायर नहीं होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अब ये रिजल्ट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा यदि इंटेंसिटी हम आई वन और दूसरा आई टू ले रहे हैं ए वन ले रहे हैं ए वन स्क्वायर बाई ए टू स्क्वायर और विध को हम डब्ल्यू मान ले डब्ल्यू डब्ल्यू इसलिए मान लेते हैं कि आर्यन जी को डब्ल्यू डब्ल्यू बहुत पसंद है हा तो यहां पर व्यथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अब कहता है रेशियो ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ट्वेंटी फाइव टू नाइन वॉट बी द रेशियो ऑफ विध मैक्सिमा के लिए क्या भाई फॉर्मूला मैक्सिमा का एम्पलीट्यूड क्या है a1 प्लस a1 प्लस ए टू का होल स्क्वायर पर a1 प्लस ए टू चलो ठीक गुड और मिनिमा का क्या है इसका रेशियो कितना और क्या कहा था कि स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ठीक है ट्वेंटी फाइव इज टू नाइन आ गया हमको क्या चाहिए विर्थ ऑफ द स्लेट्स चाहिए देखिए निकाल के क्या आता है अच्छा इंटेंसिटी मैक्सिमा सॉरी इसको आप ऐसे बना ले मैक्सिमा का और मिनिमा का रेशियो तो मैक्सिमा स्क्वायर आ गया इसका मतलब ए वन प्लस ए टू डिवाइड बाई बातचीत कर रहे हो कल नहीं आए थे तब भी बातचीत कर रहे हो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए वन ए टू का रेशियो निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लाई करो थ्री ए वन प्लस थ्री ए टू इज इक्वल टू फाइव ए वन माइनस फाइव ए टू फोर इज वन ए वन बाई ए टू का रेशियो फोर इज टू वन क्या चाहिए हमको विर्थ का तो इसका स्क्वायर कर देंगे सिक्सटीन इंस टू वन इज इक्वल टू डब्ल्यू वन बाई डब्ल्यू टू ठीक है तो क्या बन गया सिक्सटीन इंस टू वन का रेशियो यही आंसर आ जाएगा टू कॉरेंट सोर्सेस दो बार सोर्सेस लिखा गया थोड़ा सा प्रिंटिंग प्रिंटिंग नहीं टाइपिंग एरर कुछ ज्यादा ही हो गया इस चैप्टर में चलिए तो टू कॉरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी रेशियो अल्फा प्रूव दैट इन द इंटरफरेंस पैटर्न आई मैक्सिमम मिनिमा आई मैक्सिमा माइनस आई मिनिमा और यहां भी एरर है प्लस होना चाहिए डेनोमीटर में ठीक है डिवाइड बाय आई मैक्सिमा प्लस आई मिनिमा इज इक्वल टू टू रूट अल्फा प्लस डिवाइड बाय वन प्लस अल्फा किसका रेशियो दे रखा है इंटेंसिटी का तो आई वन बाई आई टू का रेशियो कहता है अल्फा मीन्स ए वन स्क्वायर बाई ए टू स्क्वायर का रेशियो अल्फा दे रखा इसका मतलब ए वन बाई ए टू का रेशियो रूट अल्फा है कहता इंटरफरेंस पैटर्न में आई मैक्सिमा आई मिनिमा का रेशियो मतलब आई मैक्सिमा क्या कहलाएगा ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर आई मिनिमा क्या कहलाएगा इसी तरह से डेनोमीटर में क्वांटिटी लिख दे प्लस ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर दो क्या बन गया ऊपर वाला न्यूमरेटर वाले टर्म को ए स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल तो फोर ए वन ए टू नीचे वाला टर्म क्या आ गया स्क्वायर वाला टर्म बचेगा तो ट्वाइस ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर क्या आ गया टू ए वन ए टू ये इधर वाला पार्ट अलग है टू ए वन ए टू डिवाइडेड बाई ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर यही बचा अब यहां पर नुमरेटेड डिनोमेटर में इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी को हम यहां लिख रहे हैं इसलिए क्वेश्चन ऐसा ही हम रखते कि स्पेस मिल जाए बोर्ड पे लिखने का तो ये आ गया टू ए वन ए टू नुमरेटर में ए टू स्क्वायर से नोमरेटर डिनोमीटर में डिवाइड कर दे चूंकि ए वन बाई ए टू चाहिए तो यहां पर भी ए वन स्क्वायर बाई ए टू स्क्वायर और सेकेंड टर्म में वन आ गया तो नोमरेटर में क्या बच गया भाई टू ए वन बाई ए टू डिनोमीटर में क्या बच गया वन प्लस ए वन बाई ए टू का होल स्क्वायर वैल्यू सब्सिट्यूट करो ए वन बाई ए टू क्या गया रूट अल्फा और नीचे क्या गया समझ आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि ओवर नहीं करना पड़े एकदम स्मूथ इसीलिए हमने हॉलिडे में कहा भी था कि आप कुछ काम करेंगे लेकिन किसी ने कोई काम नहीं किया पूरे वेव ऑप्टिक्स को इतने मेहनत से बना के भेजा कल तो पता चला कि लोगों ने पीडीएफ भी नहीं देखा है पीडीएफ देखा है लास्ट में हमने क्या किया चलो कल भी ये डिस्कशन हुआ था एनसीआरडी सॉल्यूशन से पहले क्या काम किया है देखा है तो बताओ कल नहीं तुम लोगों को तो रिमार्क्स बताया था चलो ये लोग बता दें जब चैप्टर एंड किया है उसके बाद एनसीआरटी के बीच में कुछ काम किया है सिर्फ दो स्लाइड में काम किया है ना दो या तीन ही स्लाइड है देखा था नहीं देखा कल भी नहीं देखा इस चलो तुम देखिए देखा? प्रूफ हो गया हाँ तुम देखी क्या किया हमने वहां पर क्या एक्टिविटी किया पूरे तीन स्लाइड में पूरे वेव ऑप्टिक्स को एक जगह हमने समराइज कर दिया वो तरीका सिखा है कि एग्जाम के टाइम में आप कैसे प्रिपेयर करेंगे अपने आप को कि हमको पूरे चैप्टर को दस पेज में हमको फॉर्मूला कैसे एक जगह इकट्ठा करना है। तरीका सिखाया ने कहा था कि जिस पूरी छुट्टी में आप कुछ काम करें हां वो वीडियो नहीं बना पाए तो अब बता दिया था वो ठीक है वो वो तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए एक और क्वेश्चन कर लेते फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इन ए डबल ये भी क्वेश्चन आया हुआ बहुत अच्छा क्वेश्चन जितने क्वेश्चन आपको बता रहे अनकॉमन क्वेश्चन है अनकॉमन बार बार कह रहे अनकॉमन क्वेश्चन है इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू कोहरेंट स्लाइटली डिफरेंट इंटेंसिटी स्लाइटली डिफरेंट है एक का मैक्सिमा होगा एक का मिनिमा होगा मतलब एक का वैल्यू ज्यादा एक का वैल्यू थोड़ा सा डिफरेंस है और डिफरेंस जो है हमेशा डिफरेंस को हम लोग मैथमेटिकली डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और वही कहता है ये वाला डेल्टा नहीं ध्यान दीजिएगा डेल्टा के चार सिंबल है क्लासे पढ़ा रखा एक ये एक ये एक ये और एक ये इसको हम कहते हैं डेल ऑपरेटर जिसको नेबला और ये थ्री डायमेंशन में लिखा जाता है आई कैप डेल बाई डेल एक्स कैप डेल बाई डेल वाई के हमने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर में पढ़ाया था जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशनशिप बताया था ये पार्शियल डिफरेंशिएशन में यूज होता है और ये दोनों चेंज को बताता है स्मॉल चेंज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इसलिए यहां पे हमने सिंबल यूज किया डेल्टा आई अब कहता है कि शो द इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम फोर आई और जब मिनिमा होगा तो ये होगा तो मैक्सिमा इंटेंसिटी क्या कहता सिंपल आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव तो i1 की जगह आई i2 की जगह फोर आई प्लस टू रूट आई वन आई टू फाइव वन ठीक वैल्यू कितना आया अच्छा, चाहे, एक minute, एक minute, या, या अच्छा एक मिनट एक मिनट सॉरी स्लाइटली लिखाएगा डिफरेंट अच्छा एक सॉरी नहीं नहीं हम समझ गए ये हम लोगों को जो यूज करना है वो इस फॉर्म में करना है कोई बात नहीं हम लोगों को इस फॉर्म में यूज करना है आई वन की जगह पर आई दे रखा है और आई टू की जगह पर आई प्लस डेल्टा आई दे रखा है। प्लस टू रूट आई इन टू आई प्लस डेल्टा आई मैक्सिमा के लिए फॉर्मूला अब इसको जोड़ो कितने आगे टू आई डेल्टा आई अब ये इसमें आई इसमें कॉमन ले लो तो आई स्क्वायर का रूट ये अब ये क्या बच गया वन प्लस डेल्टा आई बाई आई होल्ड टू दी पावर हाफ क्लियर ये स्लाइटली डिफरेंट तो ऑलमोस्ट नेग्लेजल क्लियर और ये भी नेग्लेजल तो फाइनली क्या बच गया और आई मैक्सिमा के केस में अब मिनिमा के केस में क्या बनेगा ये I1 वन प्लस आई टू माइनस टू रूट आई वन मैक्सिमा आ गया नहीं जीरो नहीं आएगा मिनिमा पर आ जाए ठीक मिनिमा तो I मिनिमा और यहां पर हमारा ये माइनस आ जाएगा तो माइनस टू रूट आई वन आइट आई वन की जगह पर क्या आ जाएगा I1 की जगह पर क्या आएगा? ये क्वांटिटी क्या बनेगा समझ जाओ ये बन जाएगा रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर यस नो उसको भी वैसे बना सकते हो पहले वाले को अब I1 को I1 पहले है इसलिए I1 को हम I प्लस डेल्टा I मान ले प्लस डेल्टा I. Plus delta I. और आई ट्यू हमारा क्या है आई है होल स्क्वायर हो गया ठीक है यहां तक अब यहां से क्वांटिटी से आई को बाहर निकालो रूट से आई बन गया रूट मैं रूट में, में कॉमन ले लो इसमें से भी कॉमन ले लेंगे तो ये वाला क्वांटिटी क्या बन जाएगा डेल्टा आई बाई आई होल्ड टू द पावर हाफ इसमें ये बनेगा क्वांटिटी होल स्क्वायर मैथमेटिकली अब इसका रूट का आई का स्क्वायर क्या बन गया आई बन गया अब ये क्या बन जाएगा इसको एक्सपैंड करो वन प्लस वन बाई टू डेल्टा आई बाई आई वन प्लस पावर यहां पर आ जाएगा ठीक एक्सपेंशन वन प्लस एक्स टू दी पारन प्लस एन एक्स एंड सो ऑन ठीक माइनस वन पावर इसका होल स्क्वायर वन और वन कैंसिल हो गया क्लियर अरे वन और वन कैंसिल हो गया अब क्या बचा क्वांटिटी बोलो यहां लिख रहे हैं आई अब इसका स्क्वायर करो क्या बना डेल्टा आई बाई आई का होल स्क्वायर यही ना बना क्या आ गया रिजल्ट एक आई एक आई से कैंसिल तो डेल्टा आई का होल स्क्वायर बाई फोर आई समझ में पहले वाले पार्ट को भी वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं पहले वाले पार्ट में भी क्या डाल देंगे आई वन की जगह पर आई और आई टू की जगह पर प्लस हो जाएगा ना फॉर्मूला तो I I2 की जगह पर I प्लस डेल्टा I उसमें से I कॉमन लेकर के सॉल्व करोगे वही चीज आ जाएगा आ गया समझ में क्वेश्चन समझ में आ गया ठीक आज के लिए इतना ही कल हम लोग वाई डी एस सी का मैथमेटिकल पार्ट पढ़ेंगे ये फ्रिंज width कैसे निकाला जाता आप लोग दोनों वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा आज बना करके आइएगा नहीं तो फिर दिक्कत हो आज भी दोबारा अभी हमने रिपीट किया है